मारुति सुजुकी ने अपनी जिम्नी को रिवील कर दिया है, जो कि मारुति सुजुकी की एक 4x4 ऑफ रोडिंग कार है। अच्छा, एंड ये गाड़ी इंडिया में महिंद्रा थार और गुरखा जैसी गाड़ियों से कम्पीट करने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जिम्नी का कंपैरिजन महिंद्रा थार के साथ करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कार ज्यादा बेटर है ऑफ रोडिंग फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों के डायमेंशंस को। तो मारुति सुजुकी जिम्नी की टोटल लेंथ है 3985 mm, वहीं थार की भी लेंथ है 3985 mm। जिम्नी की विड्थ है 1645 mm एंड थार की विड्थ है 1820 mm, और ऐसे ही जिम्नी की हाइट है 1720 mm, तो वहीं थार की हाइट है 1844 mm। तो डायमेंशन वाइज देखा जाए तो थार ज़्यादा बड़ी है जिम्नी से, लेकिन व्हील बेस जिम्नी का ज़्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि जिम्नी में को 5 डोर मिलते हैं, जिससे ये गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि थार केवल 3 डोर के साथ ही आती है, जिससे पीछे वाले बंदों के लिए बैठना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बात तो सही है। तो सिंपल सी बात है, रोड प्रेजेंस और डायमेंशन वाइज महिंद्रा थार क्लियर विनर है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में मारुति सुजुकी जिम्नी। समझ गया। तो अब बात करते हैं इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की। तो जिम्नी में हमको केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 103 हॉर्स पावर और 134 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं थार में हमको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल पेट्रोल की बात करेंगे क्योंकि जिम्नी केवल पेट्रोल में ही आती है। तो थार में हमको 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 150 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पावर वाइज नो डाउट थार क्लियर विनर है, क्योंकि 103 हॉर्स पावर और 150 हॉर्स पावर में बहुत फर्क होता है। जलवा है हमारा। कंपेयर करें दोनों कार्स के माइलेज को, तो जिम्नी का एक्सपेक्टेड क्लेम माइलेज है 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर, वहीं थार पेट्रोल का 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर। तो डेफिनेटली माइलेज कंपैरिजन में जिम्नी क्लियर विनर है, और जो कि होना भी था क्योंकि मारुति फेमस ही अपनी बढ़िया माइलेज के लिए है। अब आते हैं दोनों कार्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर पर। चलो भाई। तो एक्सटीरियर मींस लुक्स तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, किसी को थार की लुक्स पसंद आएगी तो किसी को जिम्नी की। वैसे दोनों में ही हमको बढ़िया और फ्रेश लुक्स मिलती है, ये आप कमेंट्स में बताना कि आपको किस गाड़ी की लुक्स ज़्यादा पसंद आई है। एंड वहीं इंटीरियर में भी दोनों गाड़ियों के फीचर्स लगभग सेम ही है, जैसे दोनों में ही हमको डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 4x4 मिल जाता है। तो इंटीरियर और फीचर्स वाइज दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हमको सभी बेसिक और नीडेड फीचर्स मिलते हैं। तो अब आते हैं इन दोनों कार्स की सेफ्टी पर, जो कि ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो महिंद्रा थार को उसके क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, और वैसे भी थार सबको पता है कि कितनी रफ टफ और स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, लेकिन 5 डोर जिम्नी का अभी तक कोई ऑफिशियल क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिम्नी है मारुति ही, और मारुति और सेफ्टी का रिश्ता आपको पता ही है कि कैसा है। तो बस हम तो होप ही कर सकते हैं कि इसकी सेफ्टी अच्छी हो, और एटलीस्ट इस गाड़ी से तो ये अपना बेकार सेफ्टी वाला टैग हटा दे। सही बात है। तो अब लास्ट में आए फाइनल कंक्लूजन पर। तो मारुति सुजुकी जिम्नी का प्राइस थार से थोड़ा कम होगा, एक्सपेक्टेड 12 से 15 लैक्स तक। तो अगर आपको थोड़े कम बजट में ऑफ रोड केपेबल, थोड़ी प्रैक्टिकल और अच्छी माइलेज वाली SUV चाहिए, तो आप जिम्नी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट ऑफ रोडर, पावरफुल और बढ़िया रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली थार एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है। तो बस ये था मारुति सुजुकी जिम्नी और महिंद्रा थार का कंपैरिजन। आप कमेंट्स में बताना कि आपको इनमें से कौन सी कार ज़्यादा बेटर लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।